मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत 11 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गोविंदगढ़ पुलिस की हिरासत में, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत 11 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त। यह जानकारी डीआईजी और रीवा के पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने पत्रकारों को दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, हमारे पास शिकायत आई थी, हमने तत्काल ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है, जो भी ताजा अपडेट आएंगे आपको निकट भविष्य में बताए जाएंगे। 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। आरोपी गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला। पीड़िता की माने तो आरोपी ने अपने पड़ोस में रहने वाली मासूम लड़की के साथ अपने घर के अंदर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस बात की जानकारी मासूम लड़की ने अपने घर पहुंचकर अपने परिजनों को दी, जिसको सुनकर परिजन चौंक पड़े, जिसके बाद परिजन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पर किशोरी को भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरी अपनी सहेली को अपने ही घर के आसपास खोज रही थी। वहीं पर खोजते खोजते पड़ोस में पहुंची। आरोपी ने कहा, अंदर है, यह कहकर उसे कमरे में भेज दिया। पीछे से खुद पहुंचकर कमरा बंद कर दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से मासूम को काफी तकलीफ हुई। यह बात उसने अपने घर पहुंचकर अपने परिजनों को बताई। परिजन ने पूछताछ किया तो पूरी घटना बयां कर दी। फिलहाल मासूम अस्पताल में एडमिट है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी। कुछ ही घंटों में आरोपी को गोविंदगढ़ पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है। उसके पिछले रिकॉर्ड को भी तलाशा जा रहा है, उसका पुराना रिकॉर्ड किस तरीके का है। तमाम तरीके से आरोपी के बारे में पुलिस साक्ष्य एकत्र कर रही है। इस बारे में हमने रीवा डीआईजी नवनीत भसीन और पुलिस कप्तान, जो इस समय दोनों रीवा में हैं, पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, गोविंदगढ़ में दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिसमें दुखद बात यह है कि दुष्कर्म जिस लड़की के साथ हुआ उसकी उम्र महज 11 साल है। हमने शिकायत मिलते ही तत्काल ही पुलिस की एक टीम बनाई, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हमने निर्देशित किया था। हमारी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे आगे की जांच की जा रही है। आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हमारी टीम पूरी तत्पर है। हम पूरी गंभीरता से एक एक साक्ष्य को एकत्र कर रहे हैं। डीआईजी और पुलिस कप्तान रीवा नवनीत भसीन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। गोविंदगढ़ में एक छोटी बच्ची के साथ में जो घटना प्रकाश में आई, जो कि उनके पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी, इस प्रकरण में भी तत्काल FIR पंजीबद्ध करने के साथ ही आरोपी को तत्काल राउंडअप किया गया और इसमें हमने विवेचना भी TI रैंक की महिला अधिकारी को सौंपी है, जो आगे मॉनिटरिंग DSP महिला अपराध द्वारा की जा रही है। और हमारा प्रयास रहेगा इसको चिन्हित अपराध में रख के विवेचना में पूरा अच्छे से संपन्न करा के उसको जल्दी चालान पेश किया जाए और आरोपी को सजा दिलाई जाए, इससे समाज में एक संदेश जाए। अभी हम लोग उसका परीक्षण कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है और उसके पश्चात ही आगे की कार्रवाई हम आपको संज्ञान में आपको जो भी आएगा बताएंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।